अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड फ्रेंड, मेरा नाम नई ब्लॉग आप देख रहे हैं नई ब्लॉग। तो आज जुम्मा मुबारक, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है और देखें आपके भाई ने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, शूज़ वगैरह भी पहने हुए हैं। तो सुबह सुबह तकरीबन 9:30 बजे आज लेट हो गया, इतनी जल्दी कभी हम नाश्ता किया नहीं तो वो थोड़ी लेट होगी। मामा की तबीयत ख़राब थी तो अब मुझे ऑर्डर मिला कि आप अंडे लेकर आएँ, पैसे मिले आप अंडे लेने जा रहे हैं। तो अंडे लेने के बाद आज जुमे है, क्रिकेट मैच भी है और काफ़ी इंजॉय आपके साथ जारी रहेगा। और साहब अंडे लिए और घर आया, खाना वगैरह खाया, तो अब जब हमने बनाना है साग तो काम मिला बहुत हार्ड। बाइक, ग्लव्स, शेकॉन बूट, तो बिना देर के चलते हैं। पालक वगैरह लेनी है, पनीर जिसे कहते हैं वो लेनी है, मतलब पता नहीं पनीर कहते हैं पालक कहते हैं बता दीजिएगा गलती ना हो, तो वो लेनी है। तो कुछ और मिर्च वगैरह लेनी है, मेथी वगैरह लेनी है, पता नहीं क्या क्या साग में डालते हैं। तो बिना देर के चलते हैं, सर्दी बहुत है, इंशाल्लाह धूप निकलेगी और हमारे भाई का मैच भी है, दुआ करिएगा। मंडी से जाने से पहले मैं भाई साहब को लेने आया, वो पीछे देखे वो खड़ा हुआ है, कबूतरों के दाने वगैरह चुगा रहा है। तो एक लड़के ने कहा हमारी तरफ कबूतर देखते हैं, उनके कबूतर कुछ देखते हैं, दौरा वगैरह करते हैं, और मैंने जल्दी जाना है कहीं मंडी से चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, घर को चला जाए, मेरी आ जानी है फिर घर से। तो वो देखें वो बेवकूफ़ सामने कबूतरों के पास खड़ा हुआ, इसको ये गंदा शौक है, मुझे भी है लेकिन इतना नहीं, इसके जितना नहीं है, ये आ नहीं रहा और मेरी घर से हो जानी है बेइज्जती, क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो मंडी अगर होगी बंद तो समझ लो मुझे डंडों के साथ पिटाई होनी है। ये इसको कब से बुला रहा हूँ, कह रहा है अभी बस ये बंद कर तो रहा है, अब वो देखे जा रहे हैं जाल में। तो जल्दी से चलते हैं मंडी की तरफ, साइयों की डाची आ चुकी है, चलें भाई साहब। मंडी में आए और मिर्च वगैरह ले ली है, तो भाई सब गए हैं वो मेथे वगैरह लेने। तो बिना देर के हम चलते हैं, ये देखिए ये काफ़ी सारा ना ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो मैंने काफ़ी ना आज इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना लिया है, मैच भी खेलना है, तो जुम्मा भी अदा करना है। तो बिना देर किए भाई सब मेजी मिर्च लेने गए हैं, तो मैंने ये देखिए मिर्च वगैरह ले ली है। तो बिना देर के अब चलते हैं अपने घर की तरफ वापस, और मैंने एक दोस्त को काम भी कहा है, तो मेडिकल स्टोर पर दोस्त पर जाना है, उसके पास भी इंशाल्लाह चलेंगे। तो एक डॉक्टर को साथ लेकर जाना है, उससे मेडिसिन वगैरह भी लेनी है, इंशाल्लाह चलते हैं। वो भाई साहब सामने आ रहे हैं, बिना देर के चलते हैं। वो भाई साहब खड़े हुए हैं सामने, मेथी और मेथी वगैरह झगड़ा कर रहे हैं, तो शेर शायद रोते रहते हैं, ये शेर सुने बंद कर दिया, चेक करें शेर शायद। तो भाई साहब आ गए, बिना देर के चलते हैं वापस। भाई साहब लेकर आए धनिया, धनिया साग का सामान, भाई साहब पूरा हो गया, चले वापस चले। तो वो मेडिकल स्टोर पर भी जाना है, उस पर चले कि नहीं? उस बंदे ने काम कहा था यार, छोटा बच्चा भूखा है, तो चलते हैं बिना देर के वापस। तो डॉक्टर साहब के पास आए, दुआ सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, नहीं भाई आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह पाक का। तो भाई इमरान साहब ने हमें काम कहा है, वो करेंगे आप? करेंगे, वो कर देंगे, आपको पता है ना। तो बिना देर के चलते हैं और लेते हैं सामान अपना, जो इनके भाई लोग हैं, मामू लोग हैं, चाची लोग, हाँ चाची लोग ने कहा है। तो बस यार याद हो गया, चलते हैं बिना देर किए। ये डॉक्टर साहब ने दूध वगैरह देना था, तो ठीक है डॉक्टर साहब में फुल लिया यार, लो सर लो, ठीक है डॉक्टर साहब को देख लें। तो ये डॉक्टर साहब ने ये लगते हैं देना था, तो वो लेते हैं और चलते हैं। टैंपर भी कर, टैंपर तो उन्होंने कहा ही नहीं, ये डैपर वगैरह भी लेने हैं। तो बिना देर किए चलते हैं, आज काफ़ी देर हो गया, जुम्मत मुबारक और टाइम 11:15 हो गया। डॉक्टर साहब तो हमें जाना चाहिए, ठीक है जी जाना चाहिए। ये डॉक्टर ने सामान दे दिया है, तो हम चलते हैं बिना देर किए। तो घर में आए तो साग के कुत्तों की फ्राई जारी हो गई, मतलब लोग कुतरते हैं चारा वगैरह टोके वगैरह पर, तो हमने अपना साग भी टोके वगैरह पर कुतरा। हमको यहाँ में यार बार मैं घर से निकल पड़ा, आपने देखा मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के सब कुछ करके वो साग वगैरह भी कुतर रहे थे। तो भाई साहब वहाँ पर चारा काट रहे हैं, तो उसके पास मैं जा रहा हूँ, वो चारा वगैरह मैंने उठाने हैं। तो जुमे का अभी टाइम हो रहा है, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, और मैंने जुमा अदा करना है 2 बजे। और आप लोग भी क्या करें, काफ़ी अच्छा महसूस होता है आपको जुमा अदा करके। तो मैं बिना देर के चलता हूँ वापस, वो मतलब यार चारा उठाने, तो चारा उठाने के बाद सच्चा का लोग करा जुमा अदा किया, और आपके भाई ने जर्सी वगैरह पहन लिया। तो अब टाइम हुआ और मैच खेलने का, तो मैं खिलाड़ी इकट्ठे कर रहा हूँ, सुफियान साहब नहीं आ रहा, कप्तान साहब सोए हो, उसको उठा लो, तो फिर हम चलते हैं जल्दी से क्राउड में। जी हमारे कप्तान साहब हैं, अभी तक सोए हुए थे, ये देख कर मैच से उठाया तो बूट डालने लग पड़े हैं, और जल्दी कर लो भाई साहब, उनकी टीम आई हो, क्यों गंदा करवाने पर तुला तू? ये अब उठा है, टाइम देख ले, 3:15 हाँ जी हाँ जी, वो बेच होती 3:15 हो चुके, ये अब उठा है माशाल्लाह। तो अब्दुल रहमान ने दिल निकाल दिया, कितनी डिपे हैं? 8 डिपे
आठ टेपे लेकर आ गए, दिल्ली निकाल दिया। कहते हैं ये पिछली दफा कह रहे टेप नहीं है, तो आज मैच बड़ा तकड़ा होने वाला है। उनकी टीम खड़ी हुई है, प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करम करे। वो भाई साहब जा रहे हैं मैच हार के, और 600 रुपए की इन्होंने बैटिंग लगाई हुई थी जो कि ये लॉस हो चुका है, और अब ये जा रहे हैं बहुत ही गंदी शक्ल करके। आईसा बैड लक आईसा भा, नेक्स्ट टाइम कौन मार गया। माशाल्लाह जी, काफ़ी इंजॉय किया आपके भाई लोग ने, और अल्हम्दुलिल्लाह 600 रुपया जीत चुके हैं, और अब इसका जश्न भी होगा। प्रोग्राम वार दिया भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और भाईजान तमीज हाँ जी, तो वो भाई लोग ऐसे गए जैसे मस्जिद में चंदा लेने जाते हैं, भाई साहब चले गए हैं, तो अब भी हम भी घर जा रहे हैं, नमाज का टाइम है, नमाज अदा करने का। साथ वाले मल्ले में फौतगी होगी, ऐसे लग रहा है वो आ रहे हैं यार, चलते हैं यार, बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैच तो जीते ही थे, इसमें दोस्तों ने जश्न रखा, और ये बहुत ही प्यारे दोस्त के अजीज की बैठक वगैरह में हमारी, तो अब हम होने वाली है पार्टी। तो भाई के रूम में आए, और माशाल्लाह मज़ेदार कढ़ाई सी पहले से तैयार, और भाई साहब भी आए हुए थे साथ में, और ये एक भाई इरफान साहब तो अब्दुलरहमान थे, तो मज़ेदार कढ़ाई सी तैयार, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो भाई लोगों ने किया काम शुरू, लेकिन मेरा काम था कि आपके भाई ने तो पता है आपको व्लॉग बनानी होती है, तो मैं था व्लॉग में मसरूफ़, तो ये लोग खा रहे, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा यार जल्दी। व्यूअर्स आज का मैच था काफ़ी अटपस का, तो मैच तो हम जीत गए, और साथ में मतलब दावत वगैरह भी होगी दोस्तों ने कर दी, तो काफ़ी बेस्ट का मैच था, हम जीत गए, और काफ़ी जुमा था मैंने अदा किया, मुझे याद ही भूल गया, अदा भी क्या फिर भूल गई, तो जुमे का दिन था, काफ़ी इंजॉय हुआ आपके भाई का। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कढ़ाई वगैरह भी खाई, मतलब हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आए, और अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मेहनत कर रहा है, और साथ दें।